स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तुर्की की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में? अपना पोर्टल पे जब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको 9 यूनिवर्सिटीज़ कोई भी सिलेक्ट करनी होती है आपको। सर तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में ही मुझे पता है, मोस्टली यही फेमस है। उसकी मेरिट जो है, ये तुर्की बुर्सलारी का मेरिट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। LOR चाहिए होते हैं आपको और कवर लेटर चाहिए होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज यॉस मांगती हैं, यॉस पे भी आपको अलग क्राइटेरिया होता है कि इतने स्कोर चाहिए होते हैं। सेट के आपके स्कोर चाहिए, मिनिमम आपको चाहिए 1300 पॉइंट्स। स्कॉलरशिप है इधर 600 ले रहा, जो तुर्की पुलिसलारी की स्कॉलरशिप है वो 600 ले रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ अगेन ऑन और ताहा, और अभी हम बात करने लगे हैं जी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का। यस फाइनली भाई, ऐसे दस्ती नाम किए मैंने, व्लॉगर हूँ क्या समझा हुआ। अच्छा व्लॉगर। अच्छा जी, हम डिस्कस करने लगे हैं अभी कि स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तुर्की की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्राम पाकिस्तान, या अगर इंडिया से देख रहे हैं वहाँ से भी, बांग्लादेश से काफ़ी लोग देख रहे होते हैं इवन। अच्छा जी, आपने अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई किया। आपने अप्लाई किया था, कैसे अप्लाई करते हैं? मैंने तकरीबन 2020 में अप्लाई किया था। तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में ही मुझे पता है, मोस्टली यही फेमस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से तुर्किश तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है, यानी उसका पोर्टल के ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आपके पास। अगर सेकेंड ईयर की, जैसे मैंने अप्लाई किया था जब मेरा सेकेंड ईयर कम्प्लीट नहीं हुआ था, सेकेंड ईयर के उसी एंड में ही आपको अप्लाई करना होता है जब उनकी खुलती है। प्रोविजनल निकाल लिया होगा, प्रोविजनल निकाल लिया, कॉलेज से सर्टिफिकेट ले लिया, और वो क्या बोलते हैं इसे, एक्सपेक्टेड ग्रेड्स, होप सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली, तो वो आपने निकलवा लिया। LOR चाहिए होते हैं आपको और कवर लेटर चाहिए होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड। आइल्स भी चाहिए होता है? आइल्स नहीं चाहिए होता। आइल्स अगर आपके पास है तो बेहतर है। मैंने आइल्स की जगह पर लगाया था वो मीडियम ऑफ लैंग्वेज का, जो होता है लैंग्वेज मीडियम का सर्टिफिकेट जो होता है कि आपके प्रीवियस एजुकेशन वाज इन इंग्लिश। तो मैंने उससे कॉलेज से निकलवा लिया था और वो लगा लिया था। ठीक है, सेट भी चाहिए होता है? सेट अगर हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे अगर आपका सेट है, हाँ बेसिकली अगर सेट है तो आप यहाँ पे आगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जॉब्स देने की नीड नहीं होती, या काफ़ी जो इंग्लिश कोर्सेज होते हैं उनके अंदर जॉब से सेट से आपका एडमिशन हो जाता है। जॉब्स क्या होता है? यॉस यहाँ का लोकल, जैसे हायर एजुकेशन होती है तो उनका एग्ज़ाम होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट कह लें, जिससे फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। अच्छा, तो स्कॉलर पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो फिर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो? नहीं नहीं, आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें, उसके बाद खुद ही आपका आ जाएगा। कि देखिए, मैं जो है लास्ट राउंड पर आके निकल गया था, तो जितना मुझे पता है कि आपका खुद ही यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाती है कि यहाँ आपका एडमिशन हो गया है, जितना मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये होता है, क्या होता है जब आप तुर्की बुर्सलारी में अप्लाई करते हैं तो आप अपने पोर्टल पे जब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको 9 यूनिवर्सिटीज़ कोई भी सिलेक्ट करनी होती है आपको। 9 यूनिवर्सिटीज़, वो आप खुद ही, आप पूरे तुर्की में कहीं से भी 9 यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करोगे, वो आपकी लिस्ट आ जाएगी, और उसमें आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, वो पोर्टल डायरेक्ट अपलोड कर देता है। और उसकी मेरिट जो है, ये तुर्की बुर्सलारी का मेरिट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। दूसरा हमें चाहिए, और दूसरे अगर बुर्सलारी के अलावा आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप जाओगे तो आपको सेट चाहिए होता है, और इंग्लिश कोर्सेज बहुत कम होते हैं। जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर एक यूनिवर्सिटी उसमें 5 कोर्सेज होंगे तो वो इंग्लिश के होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। 3, 4, 5 उनमें आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज यॉस मांगती हैं, यॉस पे भी आपको अलग क्राइटेरिया होता है कि इतने स्कोर चाहिए होते हैं। सेट के आपके स्कोर चाहिए, मिनिमम आपको चाहिए 1300 पॉइंट्स। सेट के 1600 का होता है, मिनिमम 1300 चाहिए होते हैं आपको। कुछ लोगों का 1100 में भी हो जाता है एडमिशन, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों में आ पाओ, तो वो आपको 1300 मिनिमम चाहिए होते हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप की बात, स्कॉलरशिप अगर आपको मिल भी जाती है तो स्कॉलरशिप इतनी है नहीं इधर। स्कॉलरशिप है इधर 600 ले रहा, जो तुर्की पुलिसलारी की स्कॉलरशिप है वो 600 ले रहा है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़, अगर आपको आईडीबी स्कॉलरशिप है उसमें भी अप्लाई करते हो आप, तो उसमें आपको 400 से 600 के बीच में ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है।
दूसरा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो दूर दूर की हैं उधर प्राइवेट जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं ना, तो वो स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करती हैं, तो वो 600 लेरा पर मंथ देती हैं पर मंथ की। दूसरी चीज़ के अगर आप आपका एडमिशन हो जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो आपको 1265 लेरा आपकी पर सेमेस्टर फीस होती ही होती है, चाहे पब्लिक हो चाहे जो भी हो। नहीं नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिनिमम 1265 लेरा फीस है और वो जाने को आपको 8000 पे भी चली जाती है, 35000 लेरा पे भी चली जाती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। सेम अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो वो 2500 जैसे ऑन ने बताया $2500 आपकी मिनिमम फीस होगी होगी, उसके ऊपर फिर जाती रहेगी। ओके, हैवी सीन्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल है ये थी रिक्वायरमेंट्स और ये थे सारा बड़ा डिटेल में बता दिया यार। कुछ और स्कॉलरशिप में कुछ मिस हो गया? मिल जाती है, आसान है, मुश्किल है? जब मेरा वक्त जब मैं अप्लाई कर रहा था तो अराउंड पूरे पाकिस्तान से अराउंड 100 बच्चों को मिली थी, 100 से 120 बच्चे होते हैं उसमें, आप एक थे? नहीं, मुझे नहीं मिली थी। अच्छा, नहीं मिली, लास्ट राउंड पे निकल गया। चल उठो निकले यहाँ से, टर्की वाले बोल रहे हैं उठो निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, ये यही प्लान है। चलो सही, नहीं नहीं चलो गुड सीन है यार, आप अप्लाई करें, हो सकता है आप 100 में से आप भी आ जाए। नहीं 600 लीरा आई थॉट कि कुछ ज़्यादा होगी, ख्वारी करा के भी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन ये है कि 600 लीरा जो है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे बड़े शहरों में लिविंग एक्सपेंस अगर आप देखो ना, तो बड़े शहरों में आपका लिविंग एक्सपेंस मैक्सिमम मिनिमम अगर आप देखोगे ना 2000 लीरा आपका कहीं नहीं गया। इसमें हम बात करेंगे अभी, इस पर एक्सपेंसेस पे हम बात करते हैं अभी। हाँ वही मुझे लग रहा था कि स्कॉलरशिप मिल भी जाती है लेकिन फिर भी आपको काफ़ी ख़ुद से मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप अपनी जो है लिविंग एंड्स और सारा खाने पीने का वो जो है सीन वो मीट कर सको। ठीक है, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, ऑब्वियसली 600 लीरा इज स्टिल समथिंग, सो एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, समथिंग बेटर देन नथिंग। 600 लीरा इनफ होते हैं अगर आप किसी छोटे शहर में जाओ, फॉर एग्जांपल नीदे वगैरह की यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ 600 लीरा के अंदर आप गुजारा कर लोगे। ये लोग रह रहे हैं इस्तांबुल में, मतलब इस्तांबुल महंगे, कर लोगे कुछ तो हो जाएगा ना। नहीं जैसे छोटे शहरों में ना 600 मतलब आप इस सेंस में ले लो कि 600 अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो मिनिमम आपको 10000 पाकिस्तानी आपको घर से मंगवाने। 10000 तो फिर ठीक है ना, सही, वो मसला नहीं होता। 10000 ये आप सोच लो कि मंथली आपके आने ही आने, लेकिन पहले ये एक वीडियो देख लेना तुर्की में आके पढ़ना वर्थ इट है कि नहीं, उसके बाद ये सारे प्रोसेस करना। ठीक है चलो सही है जी, ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, अल्लाह हाफिज़। ओ एक सेकंड रुको, इंस्टा मेंशन करना भूल गया देख रहे हैं दोबारा नहीं किया, ऑन का क्या इंस्टा यार? मेरा _onrza @onrza। आपका क्या? मेरा tkhan4996 tkhan। हाँ ओनली अच्छा, ये इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट ओनली फ्रॉम गर्ल्स आनी चाहिए, ठीक है? नहीं बॉयज में इंटरेस्टेड? नहीं गर्ल्स ये देख, गाइडेंस चाहिए ये जेन्युइन बॉय यार। ओके यार, सी इन द नेक्स्ट वर्स गाइस, अल्लाह हाफिज़। तो बॉयज एंड गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम, तो यार ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।